नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। खाना पीना सब कुछ मुफ्त, बिजली गैस पानी का कोई बिल नहीं, ना बच्चों के स्कूल की कोई फीस और ना कोई भाड़ा किराया, ऊपर से 2 लाख रुपए महीना की तनख्वाह। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गुजारा नहीं हो रहा है। महीने के आखिर तक आते आते यह पैसा कम पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब सब कुछ मुफ्त का माल होने के बाद भी इमरान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा, जिनकी तनख्वाह 10,000 या 20-30 हज़ार रुपए है, घरेलू खर्चे और बच्चों की फीसें भी भरनी है। यानी 15 महीने पहले अंडों मुर्गी और भैंसों से शुरू हुई तब्दीली इमरान खान की तनख्वाह बन गई है, जो आती तो दिखती है पर जाती कहां है खुद इमरान को भी मालूम नहीं। मजे की बात यह है कि इसी तब्दीली से सुकून की जिंदगी देने वाले इमरान खान अब इसके कब्र में मिलने की बात कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को कब्र में सो जाना चाहिए और सुकून कब्र में ही महसूस करें। वैसे कल दावोस में इमरान ने जो यूटर्न मारा है उससे पाकिस्तानियों को तब्दीली की कुछ उम्मीदें जगी है। इमरान ने यह कहकर पाकिस्तानियों की घास की रोटी को मक्खन लगाया कि उनके देश की खराब हालत का कारण भारत से खराब रिश्ते हैं, भारत से बिगड़े संबंधों की वजह से उनके देश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा है कि भारत के साथ रिश्ते ठीक होने के बाद दुनिया को पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता का पता चल जाएगा। मतलब 15 महीने चलकर भी 2.5 करोड़ से ज्यादा का सफर पाकिस्तान तय नहीं कर पाया, अब लौटकर वहीं पर आ रहे हैं जहां से तब्दीली का झंडा पाकिस्तानियों की तशरीफ पर बांधा था। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जिन व्यापारिक रिश्तों को तोड़ा था अब फिर से उन्हें शुरू करना चाहता है। यानी हमारा विश्लेषण सदैव की तरह इस बार भी सटीक उतरा, जिसमें हमने कहा था कि भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु पाकिस्तान का भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने 5 महीने पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के बाद भारत से अपने व्यापारिक रिश्तों को कम कर दिया था। उसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान में अनाज, दालें, चीनी सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई। दवाइयों के लिए तो इस मुल्क में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। पर सवाल यही है कि भारत क्यों पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे? पाकिस्तान में ऐसी कोई खासियत नहीं है जिससे भारत को खास नुस्खा मिल जाएगा। पाकिस्तान मदरसा पैदाइश है और यह गिरगिट के वंशज है जो रंग बदलने में माहिर होते हैं। अब पाकिस्तान कंगाली की स्थिति में पहुंच रहा है तो गिरगिट या रंग में आ गया है। यह गजनवी और गोरी की संतान है जिन पर विश्वास देश के लिए घातक हो सकता है। इस वक्त भारत के पास इस मुल्क को 4 टुकड़ों में विभाजित करने का बेहतरीन अवसर है। पाकिस्तान बवाल की तरफ बढ़ रहा है। अगर कुछ महीनों तक पाकिस्तान घरेलू मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी से जूझता है तो इसका विखंडित होना लगभग तय है। इमरान उस स्थिति का पूर्वाभास कर चुके हैं, इसलिए रंग बदलने की अपनी पुरानी मदरसा नीति पर लौट रहे हैं। केवल पाकिस्तान ही नहीं, केवल कोई भी मुस्लिम देश भारत का शुभचिंतक नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की चिकित्सा करने का यह उचित समय है। भारत का कोई पड़ोसी अगर ताकतवर और आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो वह कभी भारत के हित में नहीं होगा। चीन इसका बड़ा उदाहरण भी है। बांग्लादेश की विकास दर 6% से ऊपर गई तो उसके भारत के प्रति शुरू में बदलाव आया है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क जब तक विपन्न रहेंगे भारत मजबूत देश बना रहेगा। फिर पाकिस्तान को कंगाली से निकालने के लिए भारत को क्या जरूरत पड़ी है? पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पाकिस्तान से निर्यात बंद करके अपना ही नुकसान करता फिरे। भारत को अपने निर्यात उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से मूल्य निर्धारित करने होंगे। पाकिस्तान को उसी मूल्य पर ही सामान बेचा जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भारत से आयात करना मजबूरी होगी, क्योंकि अन्य देशों से आयातित सामान के मुकाबले वह भारत से उसे कहीं जल्दी मिलेगा। साथ ही उसे ढुलाई भाड़े में भी बचत होगी। जैसे कि इस वक्त चीन में प्याज के दाम 9 RM के आधा किलो हैं, यानी कि 90 रुपए के लगभग, जबकि भारत में आज प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान में प्याज की कीमत 120 रुपए किलो है। ऐसे में पाकिस्तान भारत से प्याज आयात करता है तो भारत के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अन्य सब्जियों को भी भारत अंतरराष्ट्रीय दरों पर पाकिस्तान को बेच सकता है, जबकि भारत को पाकिस्तान से आयात सीमित कर देना चाहिए।
इससे पहले तक भारत पाकिस्तान से आयात ज्यादा करता था, निर्यात कम। पिछले 5 महीनों में भारत ने पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं का विकल्प तलाश कर लिया है, जिससे भविष्य में बनाए रखना जरूरी है। यानी चीनी व्यापारिक नीति को भारत को पाकिस्तान पर लागू करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अपनी मंडी बनाए, ना कि पाकिस्तान की मंडी भारत को बनने दे। इस वक्त पाकिस्तान में सब्जियों के अतिरिक्त अनाज और चीनी जैसी वस्तुओं की भारी किल्लत है। सूत्र यही बताते हैं कि 3 लाख टन अनाज भारत से पाकिस्तान पहुंच सकता है। पाकिस्तान को फरवरी माह तक इस अनाज की आवश्यकता है। इतनी जल्दी केवल भारत से ही यह अनाज पाकिस्तान को मिल सकेगा। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय दरों पर ही अनाज विक्रय करना ज्यादा उचित होगा। इससे पाकिस्तान के खजाने से डॉलर सीधे भारत के खजाने में आएंगे, जिससे उसके खजाने पर फिर से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यानी भारत को सकारात्मक सोचते हुए पाकिस्तान को परोक्ष रूप से पटकनी दी जा सकती है। संभवतः भारत की मोदी सरकार इससे भी कुछ दूर का सोच रही होगी, क्योंकि मोदी को पता है कि गधे और घोड़ी से बनी पाकिस्तानी नस्ल कान तो बड़े बड़े लिए हुए हैं, पर इनकी आंख तभी खुलती है जब उसके नीचे बढ़िया से बजाया जाता है। फिलहाल इनके कान खोलने का यह सही समय है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।